हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप आज जानेंगे इस वीडियो में मैं किस चीज़ की पॉट बना रही हूँ, क्या चीज़ बना रही हूँ, कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत है और इसमें कौन से पौधे लगाने वाली हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा, विनती है पूरा देखिएगा प्लीज़। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन के साथ मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो मैं आज बनाने वाली हूँ, ये मेरे घर पे जॉनसन्स बेबी का जो शैम्पू होता है वो शैम्पू ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं इसमें आज DIY बनाने वाली हूँ, वो भी बहुत ही खूबसूरत पॉट। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है पूरा ही देखिएगा, जैसे कि आप इस पर कुछ भी बना सकते हो, जो भी आपको ड्राइंग आती है वो। तो मैं इसमें बनाने वाली हूँ पांडा, बहुत ही क्यूट बेबी पांडा बनाने वाली हूँ। आपको इसमें चाहिए मार्कर पेन, और आपके पास अगर कोई भी घर की जो शैम्पू की बोतल होती है या फिर किचन से भी जो निकलते हैं उस पर भी आप बना सकते हो। तो आपको इसमें जो भी आती है वो आप बनाएं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं मार्कर पेन ली हूँ, परमानेंट मार्कर पेन है। और यहाँ पे पहले ड्राइंग बना लेना है, उसके बाद हमें चाकू या फिर कैंची का मदद लेकर हमें कट करना है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पहले कान और उनका जो आधा सर है वो बना ली, उसके बाद हमें चाकू की मदद लेनी है, थोड़ी सी हमें हल्की सी कट करना है जैसे कि हमारी कैंची उसमें घुस सके। और जैसे जैसे मैंने निशान बनाया है उसी तरह से सेम टू सेम हमें कट कर लेना है कैंची के थ्रू से। आपके पास अगर है ये सब चीज़ तो आप बिल्कुल ये सब पॉट बनाएं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। छोटे छोटे क्यूट क्यूट पॉट्स हमारे गार्डन में, अगर बालकोनी गार्डन है तो और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं, क्योंकि हमारे पास छोटी जगह होती है, छोटे छोटे पॉट्स में बहुत खूबसूरत तरीके से जब हम पौधे लगाते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया, और आप अपने हाथों को बचाकर कट करिएगा, नहीं तो फिर हाथ कटने की डर भी है। तो मैं अपने हाथों को बचाकर ही करती हूँ। जैसे जैसे निशान लगे हुए थे उसमें मैंने कट कर दिया है। और आप चाहो तो आपके घर पे जो जितने भी किचन से जो डिब्बे निकलते हैं उससे आप ये DIY बनाइए और अपने गार्डन को खूबसूरत तरीके से सजाएं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इसमें हमेशा पौधे बहुत हेल्दी चलते भी हैं, जैसे कि नॉर्मल पॉट हम जब नर्सरी से लाते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये भी पॉट रेडी होते हैं, क्योंकि हम तो नीचे ड्रेनेज होल भी बनाते हैं, हमारी मिट्टी हमारे तरीके से होती है, तो हमारे पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रो होते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हम इस पे पौधे को लगा सकते हैं, जैसे कि जेड प्लांट, टर्टल वाइन, पर्पल हार्ट, कोलियस, क्योंकि ये सब जो है 3 से 4 इंच के पॉट में भी बहुत इजीली ग्रो होते हैं ये सब पौधे। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं पर इतने छोटे पॉट में फूल वाले पौधे नहीं ग्रो होंगे, हमें आउटडोर या इंडोर प्लांट लगाना पड़ेगा। तो आपके पास जो कलर है आप वो कलर कर सकते हो, मैंने यहाँ पे फैब्रिक कलर किया है। और यहाँ कान में मैं देख रही हूँ आप ब्लैक कलर कर रही हूँ फैब्रिक कलर से ही, जो आपके पास कलर है वो आप कलर कर सकते हो। मैंने आपको कलर करते वक्त दिखाया नहीं, क्योंकि कलर हर किसी को आता है करने के लिए, तो मैंने कलर करके ही दिखाया। फिर वीडियो लंबी भी हो जाती है तो उतने लोग देखते भी नहीं हैं, तो थोड़ी मन मेरी उदास हो जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो उनका फेस है वहाँ पर मैं गोल राउंड कर दूँगी, जैसे मुझे आ रहे मैं वैसे ही बना रही हूँ। मैं भी देखी हूँ पांडा कैसे दिखते हैं और मूवी भी देखी हूँ, ये देखिए। और अब इसमें मैं 6 बनाऊंगी, दो हाथों को 6 बनाकर बनाना है दोनों साइड। बहुत आसान है ये पांडा बनाना, बहुत ही आसान है, ये छोटे बच्चे भी बना लेंगे, पर हम तो बड़े हैं फिर भी हम बनाते हैं। हमें और भी हार्ड और भी खूबसूरत तरीके से बनाना चाहिए, पर हम नहीं बनाते, टाइम उतना नहीं है, क्योंकि घर के कामों के साथ हमें गार्डनिंग भी करना पड़ता है। और संडे को मैं वीडियो डाल नहीं पाई, टाइम नहीं मिला, आप सभी को पता है संडे को बहुत काम होते हैं। और ये मैं रात में कर रही थी, थोड़ी सी खाना वाना खाने के बाद टाइम मिली तो मैं फिर ये ड्राइंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फिर ब्लैक कलर कर दिया है, थोड़ी मोटा लाइन करके ब्लैक कलर करना है, जैसे कि पता चले इनका हाथ है और इनका पैर है। और हम यहाँ पर अब बनाएँगे इनकी आँख, नाक, मुँह। तो आप चाहो तो डायरेक्ट मार्कर पेन से भी कर सकते हैं, मेरे पास ब्लैक मार्कर पेन नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रश और फैब्रिक कलर यूज किया है।
आप मार्कर पेन से करिए डायरेक्ट, वो पेन की तरह होती है, आपको पकड़ने में भी आसानी होगी। आपको जैसे आते आप बिल्कुल उसी तरह से पकड़े। और इनके आँख के अंदर में भी मैं ब्लैक कर दे रही हूँ और थोड़ी सी वाइट छोड़ दूँगी, क्योंकि वाइट भी थोड़ा रहता है। और यहाँ पे अब इसकी मैं नोज़ बना दूँगी, ये देख सकते हो बहुत ही क्यूट लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। आप चाहो तो इसे गार्डन में यूज नहीं करके आप इस पे अपने पेन या फिर जो कुछ भी आपके पास रहते हैं वो आप इस पे रख सकते हो। यहाँ पे मैंने उसकी थोड़ी सी जीभ निकाली है या फिर होंठ है जो भी है वो बना दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप मार्कर पेन भी रख सकते हो। ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही प्यारे लग रहे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे। तो कैसे लग रहे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसमें पौधे लगा के आप सबको दिखाने वाली हूँ मैं इसमें कौन से पौधे लगाऊंगी। अगर आप चाहो तो आप पौधे नहीं भी लगा सकते हो। ये देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे, ये सूख चुके हैं। अब इसमें हम लगाएंगे वेल्डन जू। मिट्टी हमारी सॉफ्ट होनी चाहिए, जैसे कि मिट्टी एक हिस्सा और एक हिस्सा बालू। आप खाद नहीं ऐड करेंगे तो भी ये चलेगा, क्योंकि ये पौधे बहुत इजीली ग्रो होते हैं, हर नोड एरिया पे इनका जड़ होता है। और अभी तो बहुत जगह बारिश हो रही है, हर जगह बहुत आसानी से ये सब कटिंग लग जाते हैं। तो आपको कहीं से भी छोटी से छोटी मिलती है, छोटे से छोटे पॉट, बालकोनी गार्डन या फिर छोटी सी गार्डन जो भी है आपके पास, आप ये सब DIY करिए, अपने गार्डन को खूबसूरत तरीके से सजाएं। तो देखिए मैं सिर्फ रख दूंगी, क्योंकि इनका जो जड़ है वो पहले से फैला हुआ है, सिर्फ मिट्टी की ज़रूरत है। मिट्टी जहाँ मिलेंगे इनके जड़ बहुत अंदर तक फैल जाएंगे। तो ये सब पौधे के लिए ज़्यादा बड़ी पॉट की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सब पौधे जो है छोटे छोटे पॉट में भी आसानी से ग्रो होते हैं, बहुत आसानी से। आपने मेरे गार्डन में देखा होगा 3 से 4 इंच कि पॉट में बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने घर से ही पौधे को, गार्डन से पौधे निकाले, किचन से पॉट्स निकाले, तो फ्री के ही ये हो गए हमारे, एक प्लांटर रेडी, फ्री के पौधे, फ्री के पॉट्स। तो थोड़ा सा आप आसपास देखिए, बहुत खूबसूरत चीज़ होती है हमारे पास, जो हम उसे अच्छी तरह से सजा कर बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। ये देखिए बहुत आसान है इस पौधे को लगाना, और इनके पत्ते तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हो इन्हें हल्की हल्की छन छन की धूप आएगी तो और भी ज़्यादा इनके पत्ते में कलर निखार आते हैं। अब हमें पानी दे देना है। अब मैं इसे उसकी जगह पर रख दूँगी। आपके पास अगर जगह नहीं है तो दीवारों पे भी आप इसे लटका के रख सकते हो, जैसे कि ये जो पीछे की साइड है उसमें वहाँ पर छेद करें और दीवारों पे टांग के रख दें, बहुत ही प्यारे लगेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ये देखिए मेरा प्लांटर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे रख के आप सबको दिखाती हूँ ये किस जगह पे मैं रखूँगी। इस वैसे भी इसकी जगह चेंज ही होती रहेगी, क्योंकि मैं हर पौधे को धूप दिखाती हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी मेरी वीडियो लाइक करके जाइएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।